48 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। रियासत में सेना के दखल व मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पहले से ही बदनाम पाकिस्तान में शायद यह पहली बार हुआ है जब वहां सेना और पुलिस आमने सामने है। दोनों में हिंसक झड़पों के बीच हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। यह भी पहली बार हुआ है जब तमाम विपक्षी दलों में एकजुट होकर प्रधानमंत्री इमरान खान को सेना की कठपुतली बताया है। सभी को पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत सेना और ISI की मर्जी के बिना पता तक नहीं हिला सकती। शायद यही वजह है कि इमरान खान सेना के खिलाफ आवाज़ उठा रही पुलिस का पक्ष नहीं ले पा रहे। कारण साफ है, पिछले अनुभव सामने हैं कि कोई भी सरकार सेना की नाफरमानी करती है तो वह तख्ता पलट में देरी नहीं लगाती। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल की ताज़ा वजह पूर्व PM नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर अवान की गिरफ्तारी भले ही रही हो, लेकिन बड़ी वजह सिंध के IG मुश्ताक महर को कथित रूप से अगवा करने की रही है। आरोप यह है कि महर को इसीलिए अगवा किया गया ताकि कराची में पुलिस पर दबाव बनाकर सफदर को गिरफ्तार करने के आदेश पर दस्तखत कराए जा सकें। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस समूचे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान में सेना व पुलिस के बीच झड़पों की चपेट में महिलाएं और बच्चे भी आए हैं। पुलिस ही नहीं बल्कि आम जनता
और विपक्षी दल भी सेना के विरोध में उतर आए हैं।